वाक्य है 5 सितंबर 2022 का, जब सारी दुनिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या यूं कहे कि सोशल मीडिया पर हैप्पी टीचर्स डे के मैसेज भेजकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी। महज औपचारिकता के लिए लोग शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं संदेश भेज रहे थे। तब दुनिया के कोने में कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारी भावनाएं चरम पे आ जाएं। हुआ यूं कि तुर्किश एयरलाइंस की एक फ्लाइट का एक पैसेंजर अपने गंतव्य पे जा रहा था। उस फ्लाइट में एक शिक्षक जो नए पायलट को उड़ान की ट्रेनिंग देते थे, मिस्टर सोलाहाटिन ओनान भी मौजूद थे। उन्होंने कितने ही बिगिनर्स पायलट को फ्लाइंग कैरियर में मुकाम पर पहुंचाया था। उस फ्लाइट का पायलट उनका ही स्टूडेंट था। उसने अपने शिक्षक ट्रेनर को शिक्षक दिवस पर सरप्राइज देने का प्लान बनाया। इन सब से अनजान मिस्टर सोलाहाटिन ओनान कुछ सोच में डूबे हुए फ्लाइट में बैठे थे। तभी पायलट ने एक ज़रूरी अनाउंसमेंट की और बताया कि कैसे उसके शिक्षक ने उनके फ्लाइंग कैरियर को उड़ान दी। एक बच्चे की तरह हाथ थामकर आकाश में उड़ान भरना सिखाया और यह भी सिखाया कि उनका शिक्षक आज इस वक्त इस फ्लाइट में मौजूद है और उनका नाम है सोलाहाटिन ओनान। यह एक सुखद सदमे की तरह था मिस्टर सोलाहाटिन ओनान के लिए। अश्रु की अविरल धारा आँखों से बह निकले। पूरा क्रियू मेंबर फूलों से स्वागत करने लगा एवं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं संदेश देने लगा। फ्लाइट में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। वास्तव में शिक्षक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, जो हमें ज़िंदगी के रणक्षेत्र में विजेता बनना सिखाता है। हम उनका एहसान लौटा तो नहीं सकते, पर हाँ, उनके चेहरे पर अगर एक मुस्कान लाने का मौका ला सकें तो यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। बस इतनी थी आज की कहानी। हैप्पी टीचर्स डे।